हेलो फ्रेंड्स, डे टू डे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। ये हलवा बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाता है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। हमेशा की तरह अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप सूजी लिया है और आधा कप से ज्यादा हमने यहाँ पर चीनी लिया है और घी हम लेंगे 3 से 4 चम्मच। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, आप चाहे तो किशमिश भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 2 से 4 इलायची के, छोटी इलायची के पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें हम घी डाल देंगे। हमने यहाँ 2 चम्मच घी डाला है, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें ये सूजी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे ब्राउन होने तक हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। सूजी के हलवे को हमें लगातार चलाते रहना चाहिए ताकि सूजी जले ना नीचे। इसे लगातार चला करके हमें इसे ब्राउन होने तक भूनना है। ये सूजी हमारी ब्राउन हो गई है तो ये अच्छे से भून गई है। और सूजी हम जितना लेते हैं उसका 4 गुना हम पानी डालते हैं। तो हमने आधा कप सूजी लिया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 4 कप पानी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे, चीनी को भी मिक्स कर देते हैं और हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो पानी है वो सूजी और चीनी सब ही अच्छे तरह से घुल मिल जाए और ये थोड़ा ठीक हो जाए। तब तक हम इसे पकाएंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। सूजी जो है हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल देंगे, बादाम, पिस्ता, काजू और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच और घी डाल देते हैं। घी डालने से हलवा बहुत ही सुंदर दिखता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इन्हें भी मिक्स कर देते हैं और इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं। ये हमारा सूजी का हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा सूजी का हलवा बन करके तैयार हो गया है और आपने देखा ये कितनी जल्दी बन करके तैयार हो गया। अगर आपके घर कोई भी मेहमान आए तो आप फटाक से ये हलवा बना करके उन्हें खिला सकते हैं या फिर जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये हलवा मिनटों में आप बना करके खा सकते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। हमेशा की तरह अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।